नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का इस वीडियो में स्वागत है। दोस्तों आज मैं आप लोगों से कुछ खास बातें आज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। तो बहुत सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने मेरे वीडियोस को लाइक किया और इतने लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया। जितने लोगों ने भी सब्सक्राइब किया सबको बहुत बहुत धन्यवाद, और आप लोग आगे भी मेरे वीडियोज़ को इसी तरह देखते रहें और पसंद करें और मेरे को सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों आज जो मैं बातें आप लोगों को बताने वाला हूँ वो ये है कि दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू गो टू यूके। हाँ दोस्तों, आपने जैसा सुना कि ये जो समय है ये सबसे बेहतरीन समय है कि हम यूके जाएं। दोस्तों क्योंकि हम लोग सब जानते हैं कि अभी बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं और सारे चीज़ें हमारे फेवर में हैं, और हमें अभी अगर हम अभी यूके जाएं तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम। तो मैं इसमें आप लोगों को 5 बातें आप लोगों के बीच में आज रखना चाहता हूं, जिससे कि आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि अभी ये समय क्यों सबसे अच्छा समय है कि हम यूके जा सकते हैं। दोस्तों सबसे पहली बात जो है वो ये है कि हमारे को वीज़ा जो है इजीली अवेलेबल है। हाँ दोस्तों, वीज़ा जो है अभी इजीली अवेलेबल है। अगर आप देखें कि यूके में जो अभी PBS सिस्टम 2021 में आने वाला है, तो उसके थ्रू हमें टीयर 2 वीज़ा अवेलेबल है, और हमें अभी जो है स्टूडेंट वीज़ा जो है वो भी हमारे लिए अवेलेबल है, और स्टूडेंट वीज़ा के बाद में 2 साल का हमें PBS भी मिल जाता है। तो दोस्तों इसीलिए वीज़ा इजीली अवेलेबल है, अगर हम चाहें तो हम अभी अप्लाई करके सूटेबल वीज़ा, अगर हम स्टूडेंट हैं तो हमें स्टूडेंट वीज़ा मिल जाएगा, और अगर हम अभी टीयर 2 में जाना चाहते हैं, प्रोफेशनल हैं, तो हमें प्रोफेशनल वीज़ा भी मिल सकता है। तो दोनों वीज़ा, स्टूडेंट वीज़ा एज वेल एज टीयर 2 वीज़ा भी इजीली मिल जाता है। जो लोग ऑक्यूपेशनल जो शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट में आते हैं जिनका नाम है, उनको भी आराम से अभी वीज़ा मिल रहा है। 40,000 नर्सेस की ज़रूरत है, 10,000 डॉक्टर्स की ज़रूरत है, और वैसे ही सारे पैरामेडिक्स जितने भी हैं, आप चाहे फार्मासिस्ट हैं या किसी भी प्रकार के, स्पेशली बायोटेक्नोलॉजी में, क्योंकि अभी आप जानते हैं कि जिस तरह का रिसर्च कोविड के लिए हो रहा है और वैक्सीन डेवलपमेंट की बात चल रही है, तो बायोटेक्नोलॉजी की जो कंपनीज़ हैं वो काफ़ी अभी आगे बढ़ रही हैं। तो रिसर्च में, बायोटेक्नोलॉजी में काफ़ी वीज़ाज़ अवेलेबल हैं। तो अगर आप बायोटेक्नोलॉजी में हैं और आपने BSc किया है, MSc किया है, बायोटेक्नोलॉजी में आपने पढ़ा है, तो ये दिस इज़ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी आपको यूके जाने के लिए, आप जा सकते हैं। दोस्तों दूसरी बात मैं आप लोगों के सामने ये रखना चाहता हूं कि अभी फंडिंग जो है वो आराम से अवेलेबल है, क्योंकि आप जानते हैं इंडिया में बैंक्स ने जो है वो इंटरेस्ट रेट काफ़ी घटा दिया है, और वहां पर हमें 6% से 7% में हमें स्टूडेंट लोन मिल जा रहा है। आप किसी भी नेशनलाइज बैंक में जाएं, आपको आराम से स्टूडेंट लोन वो प्रोसेस कर देंगे, तो उसके बाद आप जो है अपना फंडिंग दिखाते हुए आप यूके जाकर पढ़ाई कर सकते हैं। दोस्तों अभी क्योंकि ये लोन्स के जो रेट्स हैं, मतलब इंटरेस्ट रेट्स हैं, वो बहुत कम हैं, इसीलिए फंडिंग, आप किसी भी बैंक में जाएं, आपको आराम से फंड्स अवेलेबल है। तो ये भी एक अच्छा समय है कि हम आराम से स्टूडेंट लोन या हम स्टडीज़ के लिए लोन ले सकते हैं और आराम से यूके जा सकते हैं। दोस्तों उसके बाद जो तीसरी बात मैं आपके सामने अभी रखना चाहता हूँ वो है इंफॉर्मेशन इज़ अवेलेबल, एम्पल इंफॉर्मेशन इज़ अवेलेबल। क्योंकि पहले जो था कि अगर आपको किसी यूनिवर्सिटी के बारे में पता करना है तो आपको अक्सर काफ़ी उनको कॉल करना पड़ता था, और काफ़ी सारी या तो किसी दोस्त के थ्रू ही आपको वो सारी बातें पता चलती थी। लेकिन अभी क्योंकि इंटरनेट का ज़माना है और इंटरनेट ईजिली अवेलेबल है, तो आप आराम से सारी इंफॉर्मेशन थ्रू इंटरनेट निकाल सकते हैं, और इंटरनेट के थ्रू आपको जो भी प्रोसेसिंग है, वीज़ा प्रोसेसिंग, सब कुछ कर सकते हैं। VFS में भी आपको अप्लाई करना है, वो भी सारी डिटेल्स आपको इंटरनेट में अवेलेबल है। तो दिस इज़ द एज ऑफ इंफॉर्मेशन, और इंफॉर्मेशन ईजिली अवेलेबल है, इसीलिए आप आराम से अभी यूके जा सकते हैं और इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हुए अपने लिए बेस्ट बेनिफिट्स आप ले सकते हैं। दोस्तों दूसरी जो बातें मैं चौथी बात जो मैं आपके सामने अभी रखना चाह रहा हूँ वो है
अपॉर्चुनिटीज़ एम्पल अवेलेबल है, स्पेशली जॉब अपॉर्चुनिटीज़, क्योंकि अभी ब्रेक्सिट यूके में हो चुका है और बाकी का जो बस पेपर का कुछ प्रोसेस बचा हुआ है जो कि अभी कंप्लीट हो जाएगा 2021 में। एक बार वो होने के बाद में यूरोपियंस जो हैं वो वापस चले जाएंगे, तो उनको ह्यूज मैन पावर की ज़रूरत है यूके में, तो आप वहाँ आराम से जा कर के वहाँ पर अपने लिए एक जगह बना सकते हैं और अपने लिए एक नौकरी ढूंढ सकते हैं दोस्तों। और जो आखिरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, द अर्ली द बेटर, मतलब जितना जल्दी आप जाएं उतना जल्दी आप वहाँ सेटल हो सकते हैं, उतना जल्दी आपको पीआर मिल सकता है। तो मैं अपनी भी बात आपके सामने रखना चाहता हूँ कि अपॉर्चुनिटीज़ तो इंडिया में अभी बहुत कम है, क्योंकि अभी आप जानते हैं कि बेरोज़गारी जो है उसका जो दर है वो 5.5 के ऊपर चला गया है अनएम्प्लॉयमेंट रेट, और काफ़ी लोग अभी बेरोज़गार हैं दोस्तों। ये भी बात सच है कि बेरोज़गारी इंडिया में हमेशा से ज़्यादा थी, और मेरे टाइम पे भी जब मैं 1999 में NIT से केमिकल इंजीनियरिंग मैंने पास किया तो मुझे भी नौकरी मिलने में काफ़ी मुश्किल थी। लेकिन एक चीज़ है कि अगर आप घर से बाहर निकलेंगे, आप अपने शहर से बाहर निकलेंगे, तो ही आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल पाएगा और आप आराम से अपने लिए एक भविष्य सुनहरा बना सकते हैं। जब मैं अपने छोटे से शहर में था तो मेरे लिए अपॉर्चुनिटीज़ नहीं था, लेकिन जैसे ही मैंने अपना शहर छोड़ा और दूसरी जगह मैं गया तो मेरे को अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी मिलने लगा। मेरी अगर मैं करियर की थोड़ा जर्नी अगर आपको मैं बताऊँ, तो मैं केमिकल इंजीनियरिंग करने के बाद में मैंने IOCL के लिए अप्लाई किया, ONGC के लिए अप्लाई किया, इस तरह के सरकारी नौकरियों के लिए ट्राई कर रहा था, लेकिन मेरा नहीं हुआ। मैंने फिर रिलायंस में ट्राई किया, वहाँ भी मेरा नहीं हुआ। तब लोगों ने बोला कि अब तुझे नौकरी जो है वो मिलेगी नहीं। काफ़ी दिन तक मैंने स्ट्रगल किया, तब मुझे लगा कि नहीं, मुझे निकलना चाहिए। उसके बाद मैं मुंबई गया, फिर मैं दिल्ली गया, लोगों दोस्तों के थ्रू मुझे गुवाहाटी में और उत्तर प्रदेश में इन जगहों में प्लांट में नौकरियां मिली। मैं वहां काम किया, थोड़ा स्ट्रगल करने के बाद में 3-4 साल इंडिया में मैंने स्ट्रगल किया, उसके बाद मैं फिर कुवैत आ गया। तो 2004 में मैं कुवैत आया, उसके बाद भी मेरे प्लान्स थे कि मैं कुवैत में रुकना नहीं चाह रहा था, क्योंकि मैंने यहाँ पे सीनियर्स को देखा था कि जो लोग 30 से 40 साल यहाँ लगा लेते हैं उनके बाद उनको जा कर के इंडिया में एडजस्ट होने में काफ़ी तकलीफ होता है। तो मैंने ये डिसाइड किया कि अब मुझे आगे भी कुछ अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढना है, और उसलिए फिर हमने एज ए फैमिली हमने अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढना शुरू किया, और फिर यूके में हमें अपॉर्चुनिटी मिला और हम अभी यूके माइग्रेट कर गए हैं। दोस्तों अगर आप भी इसी तरह अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढते रहें तो ज़रूर रास्ते खुलेंगे। हो सकता है कि चारों तरफ आपको मायूसी लगे, बहुत लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन उनके बीच में भी अगर आप कोशिश करें तो रास्ते ज़रूर आपके लिए बन जाएंगे, और आपका मतलब अगर आपके साथ में ऊपर वाले का जो ये ग्रेस है तो वो आपके साथ काम करेगा और आपको ज़रूर कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएंगे। तो दोस्तों ऑल द बेस्ट। तो इन 5 बातों को ज़रूर आप याद रखें, दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू गो टू यूके। की पहली जो बात मैंने आपके सामने अभी रखी है वो है कि यूके में वीज़ा जो है वो आराम से मिल रहा है। दूसरी जो बात है वो कि हमारे पास वहाँ पर फंडिंग जो है वो अवेलेबल है थ्रू बैंक्स, और तीसरी बात जो है वो है इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है, और चौथी बात जो है वो कि अभी यूके में काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ है। ब्रेक्सिट के बाद भी हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ आएगा, अभी थोड़ा सा क्योंकि कोविड के कारण थोड़ी सी परेशानियां हैं, लेकिन फिर भी वो परेशानियां बहुत जल्द हल हो जाएंगी और उसके बाद लोग काम पे लग जाएंगे। और दोस्तों फिर जो आखिरी बात है, द अर्ली द बेटर, क्योंकि आप जितना जल्दी वहाँ जाएंगे उतनी जल्दी आपका PR का प्रोसेस शुरू हो जाता है, और उसके बाद फिर आपको जितने साल लगेंगे वो फिर आराम से आप लगा करके आप PR ले सकते हैं। तो दोस्तों इसी तरह मेरे वीडियोस को आप देखते रहें और अपना प्यार और सहयोग मुझे देते रहें। मेरे जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और मुझे बताएं कि आप अभी किस स्थिति में हैं और आपके लाइफ में अभी क्या चल रहा है। और अगर आप पर्सनली मुझसे बात करना चाहते हैं तो मेरे मुझे आप मैसेज करें, मैं अपना ईमेल आपको भेज दूंगा ताकि आप मुझसे ईमेल के थ्रू जो है हम डिटेल में बात कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने मेरे इस वीडियो को देखा, इसी तरह आप अपना प्यार और सहयोग देते रहें। धन्यवाद, बाय बाय।